न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख कानून बना ले, लाख इंतजाम कर ले, लेकिन हवस के दरिंदे समाज में इस कदर पनप रहे हैं कि वह मासूमों को भी अपनी हवस का शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला सागर के मोदी नगर थाना अंतर्गत लहदरा नाका से सामने आया, जहां 17 वर्ष की नाबालिग जब अपने घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी आरोपी पुष्पेंद्र ठाकुर निवासी बदोना घर के पीछे से उसके घर में घुस गया और नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। नाबालिग जब चीखी चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर पास के लोग घर में आ गए, जहां आरोपी मौके से फरार होना बताया जा रहा है। नाबालिग आरोपी को पहले से जानती थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी उसके घर में घुस गया था। नाबालिग ने परिवार के साथ जाकर मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने दुष्कर्म की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेने की बात कर रही है। रात में घर में प्रवेश करके जो है दुष्कर्म का एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, जिसमें कि प्रकरण दर्ज किया गया है और प्रकरण दर्ज करने के बाद विवेचना में लिया गया है, विवेचना की जा रही है। आरोपी अभी वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है, स्वस्थ होते ही उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन समाज में हवस के ऐसे दरिंदे मौजूद होने के बावजूद बेटियां कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए राहुल सिंह हेलगन के साथ वसीम कुरैशी की रिपोर्ट।